कंप्लीट कर लिया आपको। आई एम प्रेग्नेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो स्पर्श को मैं उठाने जा रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, धूप देख सकते हैं। अरे स्पर्श उठ के, और ये बदमाशी कर रहा है। हाँ ये कर क्या रहे हो स्पर्श? ए स्पर्श क्या कर रहे हो आप? कहाँ सोया हुआ? ऐसे सोते हैं? कब के उठे हो? मम्मा तो नहा रही थी ना। हाँ जाओ, वहां चले जाओ, सोफा पे जाओ, वॉशरूम जाओ और सोफा पे जाओ, धूप आ गई है, वहां बैठो आप। ओके अभी स्पर्श उठ के चला गया है हॉल में, और बस मैं पूजा करने के बाद फिर मैं आई हूँ अपने फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सर्दी आ गई है और मॉइस्चराइजर ना अप्लाई करो तो फिर एकदम रूखा सूखा हो जाते हैं। और आजकल मैं अपने लिप्स पे लगाती हूँ बोरोलिन, जो कि मैंने अपने अमेजोन हॉल में दिखाया भी था इसको, तो इससे ना मेरी लिप्स अगर मॉर्निंग टाइम में लगा लो तो पूरे दिन मॉइस्चराइज रहती है और फटती भी नहीं है। और ये मुझे या तो बोरोलिन या फिर बोरोप्लस ना ज़्यादा सर्दियों में अच्छा लगता है। वैसे तो लिप बाम वगैरह तो मैं रखती हूँ, उसके बाद बस मुझे ये रूम को ठीक भी करना है, क्योंकि आप ब्लैंकेट्स वगैरह भी देख सकते हैं, तो उससे पहले मैं अभी कर ले रही हूँ कॉम। और स्पर्श जाके हॉल में बैठा हुआ है, धूप अच्छी खासी आ रही है, तो वो जाके ना 5 मिनट बैठता है, उसके बाद फिर वो ब्रश वगैरह करेगा, फिर मैं उसको दे दूँगी मिल्क पीने के लिए, एंड उसके बाद उसका जो काम है नहाना धोना वो होगा। आज ना मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ये गंदा हुआ नहीं था, और मैं तीन दिन आजकल ना थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब 4 से 5 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ, और अभी मैं सर्दियों वाले बेडशीट को निकाली भी नहीं हूँ, क्योंकि उतनी ज़्यादा भी सर्दी है नहीं। बहुत ज़्यादा भी सर्दी होती है ना जैसे जनवरी वगैरह, उसमें ज़रूरत पड़ती है कि नीचे हमें उलन बेडशीट बिछाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये वाला ब्लैंकेट्स मैं फोल्ड कर दे रही हूँ, और ये वाला ब्लैंकेट्स ना इनको एक बार दिवाली में ऑफिस की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ था, तो फिर ऐसे करते करते ना 3 से 4 हमारे पास ब्लैंकेट हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये मरून कलर वाला ब्लैंकेट, क्योंकि काफ़ी हल्का है और इस टाइम पे ना कम सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है, और मैं इसको ही ओढ़ा करती हूँ। इस रात में मेरे पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे ये हॉट वाटर वाला जो बैग है ना, इसको मुझे निकालना पड़ा, इसमें पानी भरी। और जब स्टार्टिंग में जब मैं इसको लास्ट ईयर ली थी, तब इसको जब गर्म करती थी ना, तो बस 2 मिनट में एकदम गर्म हो जाता था, और अभी इसको गर्म होने में 15 से 20 मिनट लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, या तो हो सकता है कि पानी कम हो, जिससे अगर हम यहाँ पे प्लग लगाते हैं गर्म करने के लिए तो अच्छे से नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या रीजन है। तो बस मैंने अभी कर दिया है अपने बेडरूम को ठीक, थोड़ा बहुत जितना हो पा रहा है उतना कर दे रही हूँ, और फिर मैं स्पर्श को देखूँ, स्पर्श को भी ब्रश वगैरह करा लूँ मैं।
फर्श की प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं उसको दे देती हूँ ब्रश करने के लिए, तो ब्रश से जितने भी पेस्ट होते हैं ना उसकी, उसको पानी की हेल्प से वो गिरा देता है, फिर वो ब्रश करने चलता है। इसलिए स्टार्टिंग में उसके तीत को मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद अभी आ चुकी हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। मशीन चलाना था, पहले से कपड़े इसमें डले हुए थे, कुछ कपड़े अभी जो मैं नहाई धोई वो सारे कपड़े थे स्पर्श के थे, वो सब मैं डाल के डायरेक्ट मैं मशीन को चला देती हूँ। और कभी भी मैं जब भी मशीन में कपड़े डालती हूँ ना, उस टाइम पर थोड़ा सा मैं कम्फर्ट जरूर डालती हूँ, इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। एंड उसके बाद अभी किचन में आ चुकी हूँ। अभी छोटे वाले बास्केट में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, इसको मैं कर दे रही हूँ अभी सेट। और इसमें वो बर्तन होते हैं ना जो धो के और तुरंत रखे जाते हैं, ताकि उसका जो पानी है वो ड्रन आउट हो जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे नीचे बास्केट में डालूंगी तो फिर वो फर्श पे पानी आता है, और फिर अगर मैं स्टैंड में भी लगाती हूँ तो उसमें से भी पानी टपकता रहता है। तो सबसे पहले धोने के बाद ना सारे बर्तनों को मैं इसी बास्केट में रख देती हूँ, जब पानी ड्रन आउट हो जाता है तो उसको मैं लगा देती हूँ। उसके बाद अभी मैं मिल्क रखी थी गर्म होने के लिए, तो मुझे स्पर्श के लिए मिल्क निकालना है और मैं खुद के लिए भी मिल्क निकालूंगी, इसी वजह से यहाँ पे रखी हूँ 2 ग्लास। और मिल्क के ऊपर अगर मलाई होता है तो फिर मैं उसको साइड कर लेती हूँ। मतलब साइड करने का मतलब ये कि मैं उसको ना कुछ दिनों पर, जैसे 10 या 12 दिन पे ना घी उसका निकाल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर मैं हफ्ते में ही उसको निकाल दिया करती हूँ। अभी थोड़ी सी सर्दी आ गई है ना, तो 2 से 4 दिन मैं एक्स्ट्रा बढ़ा देती हूँ। तो फिर ये लोटे में ही इकट्ठे करती हूँ, तो इसके ऊपर बहुत सारी मलाई आ गई थी तो इसको मैं साइड में इसमें डाल देती हूँ। एंड उसके बाद मैं मिल्क निकाल लूँगी और इसको मैं फिर फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और उसमें थोड़ी सी ना मैं दही डाला करती हूँ। दही डालने से क्या होता है ना कि उसमें से ना ख़राब सी स्मेल नहीं आती है और ख़राब भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पे स्पर्श को मैंने अभी दे दिया है मिल्क, और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर में जाऊँगी। और उससे पहले मैं बिस्किट वगैरह देख रही थी कि बिस्किट भी लेते जाती हूँ, क्योंकि जब भी स्पर्श मिल्क पीता है तो उससे पहले ढूंढता है कि मुझे 1 या 2 कुछ भी बिस्किट चाहिए ही चाहिए। गाइस कैसे हैं आप लोग? और अभी हम लोग मिल्क वगैरह पी लिए और अभी हाउस हेल्पर पर आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी उनको आने में टाइम है 15 से 20 मिनट। ब्लॉगिंग इस टाइम पे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं है, बीच में बहुत सारे गैप है, 5 दिन 6 दिन का। एक दिन आता है 6 से 7 दिन गैप रहता है, फिर एक दिन आता है 2-3 दिन गैप रहता है। तो जो जो मेरे छोटे छोटे क्लिप जो भी मैं बना के रखती हूँ ना, वो मैं आपके साथ कर देती हूँ शेयर। बाकी ऐसे कुछ मैं ब्लॉगिंग मेरा कंटिन्यू नहीं है कि मैं एकदम फोकस कर रही हूँ अपने यूट्यूब पे चैनल पे, ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी कमेंट्स की मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे कमेंट्स, सबका यही बोलना है कि दी आप मतलब कहाँ चले गए हो। यूट्यूब पे भी ऐसा मतलब कुछ भी रहता था, तबीयत भी खराब रहती थी तो आप यूट्यूब पे एटलीस्ट इवनिंग तक ब्लॉग डाल ही देते थे, और इंस्टाग्राम पे तो आप कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन अभी कोई भी अपडेट आपका नहीं है समझ। तो गाइस यहाँ पे मैं बैठी हुई थी सब्जी कट करने के लिए, और बैंगन और आलू मैं अभी बनाने वाली हूँ। और देखिए धूप आ रही है ना, तो मतलब 11 से 12 बजे तक धूप रहती है, लेकिन अभी तो हो रहा था सुबह सुबह का ही टाइम। तो एक बैंगन लेके आई हूँ बड़ा वाला, और आलू तब मैं कट करती हूँ जब मैं बैंगन को डाल दूंगी कढ़ाई में, और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्जी और काफ़ी टेस्टी लगती है। इसके लिए ना इस बैंगन को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कट करना होता है, थोड़े से बड़े बड़े पीसेज में कट करना होता है, ताकि हम जब पकाए ना तो बाद में भी बैंगन के पीसेज रहें। नहीं तो कई बार होता है ना कि बैंगन एकदम से गल जाता है और फिर वो सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, फिर वो कोई समझ ही नहीं आता है कि क्या टेस्ट है क्या नहीं है। तो बैंगन को मैंने काट के धो लिया है। एंड यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ जीरा। और अगर आपको मिर्च अभी डालना है तो आप डाल सकते हो, बट मैं मिर्च ना स्टार्टिंग में अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से नाक में लगने लगता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना हरी मिर्च मैं बाद में डालूंगी, और लहसुन के टुकड़े यहाँ पे कट करके छोटे छोटे स्लाइसेस में मैं डाल दे रही हूँ। अगर आपको लहसुन को थोड़ा सा कूट के डालना है तो उस तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे इस तरीके से भी डालिएगा ना तो भी सब्जी काफ़ी बेस्ट लगेगी खाने में। एंड उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ बैंगन को, और बैंगन को ना मैं फ्राई होने दूंगी थोड़ी देर के लिए, एकदम से आलू नहीं डालूंगी। उसके बाद मैं फिर ये बैंगन अभी फ्राई होता रहेगा, उसके बाद मैं काट लूंगी आलू को। तो यहाँ पे चला दे रही हूँ उसको, और आलू मैं 2 से 3 ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी फिर, क्योंकि दोपहर में फिर लंच में ना मैं दूसरा कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू के बड़े बड़े पीसेस मैं कर रही हूँ, इसके छोटे नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फिर ये भी मिक्स हो जाएगा, बैंगन भी मिक्स हो जाएगा, कुछ भी टेस्ट नहीं आने वाला है।
यहाँ पे मैं डाल दी हूँ आलू और बैंगन और इसको भी मैं कर दूंगी फ्राई अच्छे से, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना ढक के भी पकाऊंगी बाद में। और जब ये थोड़ा सा ना आधा से अधिक कुक हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी सब मसाले। तो यहाँ पे ना दो चिप्स के पैकेट निकाल रही हूँ लेज, ये रखा हुआ था, ये कई बार लाके ना रख देते हैं कि भूख लगे तो खा लेंगे मैं। एंड उसके बाद मैं अभी ना दो चार ब्रेड सेक ली हूँ, तवे पे ही सेक ली हूँ। और ये देखिए ये हाफ से हाफ कुक हो चुका है ये सब। तो अब टाइम आ गया है इसमें मसाले को ऐड करने के लिए। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें ऐड करूंगी, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी तो धनिया पाउडर ऐड करूंगी। और टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ना कट करके रख लिया है, तो इसी स्टेज पे मुझे डालना होगा टमाटर भी, और साथ ही साथ मैं नमक भी डालूंगी। तो सबसे पहले टमाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, देन इसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी और हरी मिर्च भी मैं इसी स्टेज पर डालूंगी। अगर आपको पहले डालना होगा तो डाल सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, ये बस मेरी चॉइस है, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं मिर्च थोड़ा सा लेट ही डालती हूँ तो इस वाली सब्जी में। तो यहाँ पे हरी मिर्च भी मैं डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा इसको भून लूँगी एक मिनट तक ढक के। और उसके बाद ना ज़रा सा मुझे इसमें पानी डालना होगा। अगर आपका जो मसाला है ना इसी तरीके से अगर तैयार हो जाए, आप पानी नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। उसके बाद ना मैं यहाँ पे पिज्ज़ा टॉपिंग वाला जो सॉस होता है ना वो लेके निकाल ली थी, तो वो मैं नहीं निकालूंगी। यहाँ पे मेयोनीज मैं निकाली हूँ, मेयोनीज एक लेयर एकदम पतला सा लेयर लगा के उसके ऊपर मैं दूसरे ब्रेड को रख दे रही हूँ। फ्लावर फर्श का होमवर्क बन गया। अभी धूप में हम लोग बैठे हुए हैं बाहर, सोई थी मैं, होमवर्क कंप्लीट कर लिया इंग्लिश का, मैथ का भी चेक कर लूँ। ये भी हो गया कंप्लीट, कल मिला था उनको। सोई थी मैं, इसको बोली कि आप होमवर्क अपना करो जो भी करना है। चलो ठीक है, अंदर चले स्पर्श क्या है ना, मुझे नींद आ गई थी, मैं सोई भी और स्पर्श अपना होमवर्क कर रहा था। लेके चलो सारा अंदर ना, ये ले लो, वहाँ जाता है। चलो जस्ट लेटी हुई थी, छोटा सा नैप ली और जस्ट अभी उठी। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं कोई ब्लॉग आज मॉर्निंग में स्टार्ट की और इवनिंग में एंड कर रही हूँ। तो गाइज आप लोगों को के साथ मुझे कुछ शेयर करना था, बहुत टाइम से बहुत लोग समझ भी रहे हैं इस बात को, बहुत सारे मैसेज डीएम मुझे आए हुए हैं कि ये सच है क्या। तो गाइज फाइनली वो बात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई एम प्रेगनेंट, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं पा रही हूँ। स्टार्टिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा बहुत हैप्पी थी, आप लोग समझ सकते हो, कोई भी एक लेडी के लिए जब वो माँ बनने वाली होती है कितनी खुश होती है। सो वही सारा कुछ था, बहुत अच्छे से मैंने इनको सरप्राइज दिया, ये वो जो भी चीज़ें थी अच्छी चल रही थी। एंड होता है नहीं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे तो बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा खुश रहना चाहिए, मैं भी कोशिश करी खुश रहने की, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मतलब ये प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड जिसकी वजह से ना हम चाह के बिना खुश नहीं रह पा रहे हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ। एक्चुअली अभी मेरा चल रहा है बेड रेस्ट, मैं काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट में हूँ, कम से कम मुझे हो गए हैं 25 दिन हो चुके हैं बेड रेस्ट में हूँ मैं। और मैं लास्ट मंथ मतलब मैं अक्टूबर की बात, अक्टूबर में मैं घर से आई थी एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे पता चला था एंड उसके टाइम से, लेकिन फिर भी बेड रेस्ट में अगर मैं हूँ तो क्या क्या नहीं करूँगी, सब कुछ मतलब झाड़ू पोछा बर्तन तो हो जाता है, बाकी स्पर्श को देखना है, स्पर्श को संभालना बहुत बड़ा टास्क है वो, बाकी उसके लिए खाना बनाना ये बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे हैं, रात का खाना यही बनाते हैं, सुबह का आटा गूंथ के जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत परेशानी से भी हम गुजर रहे हैं सुबह सुबह इनको सुबह उठ के जाना, मैं तो उठ नहीं पाती हूँ ना, ब्रेकफास्ट वगैरह बना पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ अभी चल रही हैं। मैं धीरे धीरे ब्लॉग्स में आप लोग को बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं सोची कि चलो इस ब्लॉग में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कम से कम एक डेढ़ महीने से मेरा कुछ ब्लॉग ऐसे ही जा रहा है।
तो बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि क्या है, क्या बात है, क्या नहीं है। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।